2008 में पढ़ाना चालू किया था मैंने, 2024 अब आ गया, 16 साल हो गए सोनीपत में पढ़ाते हुए। वैसे तो मैंने 2000 में पढ़ाना शुरू किया था। बहुत सारे लोग नौकरी लगे, बहुत सारे नहीं भी लगे। जैसे जो लोग कल आए थे आज नहीं आए तो नौकरी थोड़ी लगेंगे। ऐसे कुछ लोग 2-3 महीने पढ़ गए, वे जो ना ऐसे नहीं आते कि हम नौकरी लगने तक पढ़ेंगे, वे इसलिए आते हमें तो 2 महीने पढ़ना, हमें तो 3 महीने पढ़ना, हमें तो 1 महीना पढ़ना। कुछ दिन पढ़े चले गए, अब उनकी नौकरी लगी नहीं तो उनका हाल। एक तो आदमी रोज सुबह जाए जा करके अपना जाके काम करे और फिर हर महीने सैलरी आए 50,000 रुपये महीना, अगले सालों 50 के 55 हो जाएंगे, उससे अगले साल 50 के 55 के जो है 62 हो जाएंगे, उससे अगले साल 62 के 70 हो जाएंगे। ऐसे बढ़ती जाती है सैलरी, हर साल बराबर नहीं रहती, हर साल सैलरी बराबर बढ़ती रहती है, हाँ या ना। थोड़े दिनों में सैलरी 1,00,000 रुपये महीना। अब 1,00,000 रुपये महीना जो लेगा तो उसके पास बढ़िया फोन, बढ़िया कपड़े, बढ़िया जूते, बढ़िया घर, बढ़िया गाड़ी, बढ़िया सब कुछ होगा, हाँ या ना। उसके बराबर का जो आदमी जिसने नौकरी नहीं लग की, नौकरी नहीं लग पाया तो 1,00,000 रुपये महीना नहीं आ रहे, फिर कहां से लाएगा 1,00,000 रुपये। एक नॉर्मल घर में सरकारी नौकरी के अलावा और क्या चारा है? मैं जो कह रहा हूं समझ में आ रहा है? तो तुम्हारे पास कोई चारा नहीं है अच्छे से। बस एकमात्र एक लाइन बांध लो अपने पल्ले गांठ कि जिस दिन नौकरी लग गई उस दिन छोड़ेंगे तैयारी, तब तक लगातार, चाहे उसका हमें 1 साल लगे, चाहे 2, चाहे 3, चाहे 4, इतना टाइम लगता है आज के टाइम पर, इतना कंपटीशन है, हाँ या ना। टोहाना ब्रांच में गया था मैं कुछ दिन पहले, टोहाना ब्रांच में गया तो एक लड़की जो है वहां पर नौकरी लगी हुई थी। हम नौकरी लगे हुए बच्चों को घड़ी देते हैं, वैसी घड़ी वो लगी हुई दीवार पर, तो घड़ी लेने के लिए तो पेरेंट्स को भी बुला लेते हैं। उस लड़की ने अपने पापा को बुलाया तो उसका पापा उस टाइम पर भी दिहाड़ी पर था। उसने कहा था पापा आज छुट्टी कर लो, बोला नहीं ऐसे छुट्टी नहीं कर सकता, अगर आज मैंने छुट्टी कर ली तो कल फिर मेरे को रखेंगे नहीं, क्योंकि आज मेरी जगह किसी दूसरे को रख लेंगे, जो लोग रेगुलर नहीं होते उसका क्या करेंगे। मैंने जो कहा समझ में आया? तो वो दिहाड़ी पर से उसके ना, जैसे यहाँ पर जो सीमेंट लगी हुई थी चिनाई पर काम कर रहा था, वो मसाला बनाते टाइम जो पैरों पर सीमेंट लगती, तो मसाला बनाने वाला जो सीमेंट लगी हुई थी तब आकर के उसने घड़ी ली थी। उस बात को मैं कभी भी कैसे भूल जाऊंगा कि एक मजदूर की बेटी पढ़ लिख करके दिल्ली पुलिस में लग गई, 50,000 रुपये महीना सैलरी आती है। मैं जो कह रहा हूँ समझ में आ रहा है? ऐसे कितने लोग लगे हैं ICS में पढ़ पढ़ के, ये तो आना वालों ने लगवा रखी है। वो लड़की ना लगती तो जो अब जाकर के दूसरे खेतों में जाके घंटे पढ़ती रहती, और क्या करती वो मजदूर की बेटी, क्या करेगी ना, तो जमीन ना जायदाद ना कुछ भी, हाँ या ना। उसकी माँ नहीं आई, कारण उसकी माँ किसी दूसरे के खेत में काम करने के लिए गई हुई थी, जो दूसरे खेतों में मजदूरी पर काम करने जाते हैं। तो ऐसे माँ और बाप दोनों जने मजदूरी करके तब अपने बच्चों को पढ़ा रहे थे, लेकिन उस लड़की ने उसकी पूरी वैल्यू की आज सरकारी नौकरी में, हाँ या ना। कह रही थी कि 2-3 साल और जो है नौकरी करने के बाद इस कंडीशन पर बात हो जाएगी कि मेरे माँ बाप को फिर मजदूरी नहीं करनी पड़ेगी, हाँ या ना। जो मैं कह रहा हूँ समझ में आ रहा है? एक और उसकी बहन पढ़ रही है, बस लगने के कगार पर है, दूसरी कई पेपर पास है उसके, बस नौकरी के तक पहुँचने ही वाली है। 3-4 भाई बहन मजदूरों के बच्चे जो है ज़्यादा होते ही हैं, 3-4 भाई बहन कई बच्चे जो है ICS में आने लग गए, क्योंकि अब उसको सैलरी और फीस देने में कोई झंझट ही नहीं है, अब उसका काम बन जाएगा, सारे बच्चे नौकरी लग सकते हैं। ऐसे कई लोग हैं जिसके एक घर में 3 नौकरी लगी, अब एक घर में 4 नौकरी लगी अभी रिसेंट में, ये ग्रुप सी और ग्रुप डी भी जब भर्ती हुई है। तो ऐसे भर्तियां यहाँ पर ICS में थोक में लगते हैं नौकरियां, तुम ध्यान से पढ़ोगे तो सबकी नौकरी लगेगी।